हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. लॉन्ग टाइम. टुडे विल सी अबाउट निफ्टी वीकली रिव्यू एंड हाउ निफ्टी में बिहेव इन दिस वीक. निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है इस वीक में. और मोस्टली आप राइटिंग पे फोकस कीजिए, कॉल हो या पुट राइटिंग हो, रादर देन ट्रेडिंग फ्यूचर्स ओके या और बाइंग ऑप्शंस. ओके, सो विल स्टार्ट टुडे विथ निफ्टी. ओके, दिस इज यूएसडी. वी आर ट्रेडिंग करेंसी यूएसडी आईएनआर. ज्यादा फोकस पे है लास्ट 2 3 वीक्स. लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था. वी सॉ दैट एंड उसको यहाँ पे हमको कॉल राइट करने के लिए बोला था मैंने. 1500 का 84 के आसपास मेरा एवरेज प्राइस था इसका राइटिंग का. वर्थलेस जीरो हुआ, वो 174 पे क्लोज हुआ था. हमने जो दिया था ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एंड तो यहाँ पे वो वर्थलेस हो गया. बट 22 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ था 22 पे. ओके, इस कॉल में एंड यहाँ पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस था जो कि ये था. आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे दिया था. तो यहाँ पे रिजेक्शन आया मॉर्निंग में ही एंड देन दिस प्राइस कॉल्ड फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस. तो ये रेजिस्टेंस के पास कॉल में जीरो एक्सपायर हो गया. यहाँ इस दिन 174 आई थिंक वॉज द क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे एक्सपायरी के दिन. और यहाँ पे जो हुआ था, ये नीचे मत जाइए, ये डेट्स थोड़े ऊपर के मिसमैच होते हैं. इट कीप्स ऑन मिसमैचिंग. तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ने उसने काम किया. फिर ये सपोर्ट था फर्स्ट, तो इसने यहाँ पे काम किया. यू कैन सी दैट. तो दिस सपोर्ट्स हैव वर्क, बट ये नीचे के दो सपोर्ट्स ने काम नहीं किया बिकॉज ऑफ ऑल दैट कोरोना न्यूज एंड एवरीथिंग. तो लास्ट वीक जो चल रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन भी नहीं आए हैं. ओके, सो नो पॉइंट इन ट्रेडिंग. तो यहाँ पे रिजेक्शन भी नहीं हुआ एंड बेसिक रूल जो है हमारा बाइंग का, वो भी यहाँ पे आपको पता है कि ये भी यहाँ पे हम बाय बिल्कुल नहीं करेंगे इस जोन में. ओके, ना इस जोन में बाय करेंगे जब ये यहाँ पे आया. तो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट टू डू इन दिस वीक. तो इस वीक में पर्टिकुलरली वी थिंक द सपोर्ट इज वेरी डाउन हियर. सपोर्ट काफी नीचे आता है इस जोन में. ये यहाँ पे 360 से लेके 400, आई वुड से 400 to 360 इज गुड सपोर्ट. तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है. नेक्स्ट जो सपोर्ट आता है वो आई थिंक कि ये यहाँ पे है, बट इट्स नॉट दैट गुड. बट यहाँ पे एक सपोर्ट आता है 680 के आसपास, जो कि 20 पॉइंट्स प्लस माइनस हो सकता है 700 से 670 तक. ओके, तो आई वुड से दिस इज अ गुड सपोर्ट 1470 से 650 का. आई डोंट सी अ गुड सपोर्ट एनी वेयर टूडे. तो शायद कल गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उस डायरेक्शन में ट्रेड करने में अच्छा होगा, बिकॉज ऑल आई कैन सी इज कल शायद गैप अप या गैप डाउन हो जाए. तो जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में आप एंटर कर सकते हैं. बिकॉज करंटली आई एम ट्रेडिंग इन करेंसी. और दूसरा, एज यू नो, जो HDFC बैंक है उसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है. दे आर ऑल्सो शॉर्ट इन दैट के HDFC बैंक में. सो नेक्स्ट थिंग आई थिंक HDFC, टॉकिंग अबाउट नॉट HDFC, सॉरी, अबाउट रेजिस्टेंस इन दिस जोन. तो रेजिस्टेंस नेक्स्ट जो है वो काफी ऊपर आएगा. रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे आएगा इस जोन में 1500 15,150 के आसपास इस जोन में. तो यहाँ पे 15,150 के आसपास प्लस माइनस 10 कर दो आप, तो इस जोन में आएगा जो रेजिस्टेंस होगा. ओके, तो फिलहाल आई थिंक यू शुड फोकस कि यहाँ पे शायद प्राइस आ जाए. ओके, एंड आई थिंक यहाँ पे मैं शॉर्ट फिर से करने की कोशिश करूंगा अगर प्राइस आती है. कल अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो आई ट्राई टू बाय. ओके, फॉर निफ्टी इफ आई इफ उस उधर के पोजीशन में मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा तो. ओके, सो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट निफ्टी. ट्राई टू राइट कॉल्स हियर एंड यहाँ पे पुट बाय करने की कोशिश की, सेल करने की, सॉरी, पुट सेल करने की कोशिश कीजिए अगर सपोर्ट्स पे आता है तो. वो ज्यादा लुक्रेटिव फायदेमंद है. ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड. वेरी सिंपल. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू शेयर.